पांडे कमाल करते हैं यहां पे। चलिए मैं शुरू करता हूं। द लास्ट टाइम आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ यू एज अ प्रोड्यूसर इट वाज फॉर पा। टुडे आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू एज अ टू बी पा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ऑल योर विशेस एंड ब्लेसिंग्स एंड फॉर बीइंग सो स्वीट। From on behalf of the family, we've got some mithai aap sab ke liye. So I hope you enjoyed. Mila sab log ko? Nahi mila. Okay. Nahi mila? Nahi. Acha, abhi de denge aapko. So I'm here today as the producer of Puthao Ga Tera Baap. First and foremost, I need to thank Viacom and their entire team for doing such a wonderful job and helping make Puthao Ga Tera Baap a reality. The story of Puthao Ga Tera Baap is something I'd like to share with you. It started quite a few years ago where I felt that as an Amitabh Bachchan fan, we were not getting to enjoy Amitabh Bachchan in his true flavor and grandeur. And I went up to my father and I said, you know, Pa, bahut ho gaya abhi, bahut haath jod liye. I think it's time to get back and show them how the angry young man really did it. And how he still can do it. And then we at AB Corp started looking for a subject that would embody the spirit of Amitabh Bachchan, as we all have known him growing up, who all we love, respect and look up to. And wanted to bring back the whole attitude of what a real hero should really be like. During this period, I thank you. ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब लोग इतनी भारी तादाद में आए हैं इससे पहले। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। ओके okay. आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे घर जो एक खुशखबरी आई है, उसके लिए आप सब लोगों का जो सहयोग मिला है, जो आप लोगों ने अपनी दुआएं प्रार्थनाएं की हैं, उसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। और थोड़ा बहुत अभी मुंह मीठा भी करवा दिया है, ताकि जब आप लोग प्रश्न उत्तर करें तो मीठे प्रश्न करें, खट्टे ना। इस फिल्म को बनाने में कहीं ना कहीं पुरानी यादें कुछ वापस लाने की उम्मीद थी। और पूरी जगन्नाथ जब इस स्क्रिप्ट को हमारे सामने लाए तो मैंने कहा कि इसे हम जरूर करेंगे। और बड़ी खुशी हुई कि पूरी बहुत ही एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड वे में उन्होंने ये फिल्म बनाई। डेढ़ दो महीने के अंदर ये फिल्म ख़त्म हो गई और डेढ़ दो महीने में इसकी अब रिलीज भी हो रही है। तो ये तभी संभव होता है जब जो मेकर होता है वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो, मैनेजमेंट उसका ठीक हो, डिसिप्लिन ठीक हो। और मैं जितने भी किरदार और हमारे साथ प्रोडक्शन में जितने भी लोगों ने काम किया, उन सबको आज अपनी ओर से, अपने प्रोडक्शन की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अगर उनका सहयोग ना मिलता तो इतनी जल्दी और इतनी खूबी के साथ ये फिल्म संपन्न ना होती। एक बार फिर उन सब लोगों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर सवाल, सर हियर सर, आई एम सलमा फ्रॉम जूम। सलमा फ्रॉम जूम, यस, हाय, स्टैंड अप सलमा फ्रॉम जूम, दैट इज सलमा फ्रॉम जूम। सर सॉन्ग बहुत ही ज्यादा बहुत बेहतरीन था, बहुत मजा आया देखकर। बस एक चीज समझ नहीं आई, ये मीरा कौन? ये फिल्म के बाद बताऊंगा आपको, एक बार रिलीज हो जाने दीजिए फिर बताता हूँ। सर खुद आपको पर्सनली कितना एंजॉय किया है, क्योंकि काफी फिल्म जो सॉन्ग यूज किए हैं वो आप ही की फिल्मों के हैं, बहुत हिट सॉन्ग है, तो आपने कितना एंजॉय किया सॉन्ग? अभी जब मीडिया से मिल रहा था पिछले दो चार दिनों में, तो मैंने उनको बताया इस गाने के पीछे का रहस्य क्या है। दरअसल हम लोग दो ढाई साल पहले एक वर्ल्ड टूर पे गए थे, कॉन्सर्ट टूर पे गए थे, और न्यूयॉर्क जब पहुंचे तो उसके दो तीन दिन पहले एक ब्रेक मिला हमें। और एक दिन हम सब लोग, विशाल शेखर जितने भी यूनिट के लोग थे, सब बाहर खाना खाने गए किसी रेस्टोरेंट में। वहां पर रेस्टोरेंट में जो गाने बज रहे थे, एक डीजे कुछ बजा रहा था गाने, तो हमें कुछ अच्छा लगा वो संगीत। हमने उनसे कहा कि ऐसा असंभव है कि आप ये सीडी हमें कट करके दे दें। उन्होंने कहा हाँ ले जाइए। तो वो जब मैं होटल में आया और मैंने उसे सुन रहा था, तो एक दिन
लगा मुझे कि इसके अंदर जो एक रिदम है और जो बीट है, इस रिदम पे मैं अपने कुछ पुराने गाने गा सकता हूँ। मैंने ये बात विशाल शेखर से शेयर की और उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल इसको कर सकते हैं। तो उसी जमाने में हम तुरंत एक स्टूडियो में गए, एक हायर किया न्यूयॉर्क में स्टूडियो, और हमने ये ट्रैक बजाया और ऐसे ही बड़ी इनफॉर्मली इसको गा दिया। फिर इसे हमने अपने टूर में एक लास्ट आइटम की तरह, जहाँ पूरा क्रू वगैरह आकर के वाज जस्ट फ्रीकिंग आउट, वो किया। पूरी जगन्नाथ के साथ जब ये फिल्म बन रही थी तो उन्होंने कहा कि संगीत कैसा होगा, उसके बारे में कुछ चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का चाहिए, उस तरह का चाहिए। मैंने उनसे कहा कि एक नमूना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो लगता है आपको अगर अच्छा तो उसको उसी नमूने पे कुछ गाने बन सकते हैं। मैंने जब उनको ये गाना सुनाया तो उनको ये बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा यही गाना हमको चाहिए। तो फिर हमने इसको वापस सिखाया, विशाल शेखर के पास दिया और फिर ये धुन बन करके आई। तो हमें बड़ा अच्छा लगा इसे काम करने में। हालांकि शूटिंग के दौरान मैं रेमो से और जितने भी डांस डायरेक्टर असिस्टेंट्स थे उन सबसे कह रहा था भैया ज़्यादा मच नचवाना भाई, अब शरीर जो है वो इतनी जोर से नहीं हिल पाएगा। लेकिन किसी तरह आप सब लोगों का प्रोत्साहन मिला, स्नेह मिला और किसी तरह गाना हो गया। अमित जी आपको और अभिषेक को पहले तो बहुत मुबारकबाद हो, और जैसे कि हमने भी जो गाना सुना जो ये बजा गाना, तो उसमें आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल जो ये गाने थे छाड़ कर आपके कहीं ना कहीं निराश भी होंगे, क्योंकि ओरिजिनल चीज जो मजा दे रही थी वो शायद रिमिक्स नहीं दे पाएगा। और जब आप फिल्म देखेंगे तो ये जो आपके मन के अंदर थोड़ी सी दुविधा है वो ये भी साफ हो जाएगी। और अगर पुराने जैसे आपकी फिल्मों की बात हो रही है तो एक डायलॉग अगर आपकी तरफ से हो जाए वो शहनशाह का, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। Sitting now, you know, Shahrukh has kind of volunteered to give you some. Yeah, Shahrukh has on Twitter told Abhishek that, you know, if you want any tips on baby care, he will volunteer. We'll definitely take up his tips. And do you want to say something about that? Abhishek, you want to add? Yeah, if you all have tips, I'll start noting them down. You can tweet me and I'll be more than happy. You know, it's a learning experience. Aap shaadi shuda hai ki nahi bhai sahab? I don't think so. I am. Okay, bache? Nahi hai. Saath mein aayega, hum log tips saath mein lenge. Haan, maybe we can give you some tips then afterwards. Sure. Baad mein. Yeah. Also one thing. They're all sung by me. If you can just sing one line for us, please, today. Oh gosh, क्या गाऊँ मैं अभी तो भी। रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे। Thank you. When you move in it, I love the way. I thought. वो उन्होंने कहा था। अमित जी लाइव इंडिया से, सर इस तरफ। सर इस तरफ। लेफ्ट। इस तरफ किस तरफ? आपकी लेफ्ट में। कहाँ? आपके राइट में इधर। जी। Okay. अमित जी आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब भी अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म आने वाली होती है तो दर्शक पहले से ही सिनेमा घर के इर्द गिर्द नजर आने लगते हैं, जैसे प्रोमोज में दिखाई दे रहा आप नए अवतार में पूरे जोश में, फिल्म से भी काफी सारे एक्सपेक्टेशंस होंगी दर्शकों की, तो क्या उनको वो एक्सपेक्टेशंस पूरे करने का मौका दे रहे हैं आप? इसीलिए तो फिल्म बनाई है। एक्सपेक्टेशंस के साथ ही हम लोग फिल्म बनाते हैं कि सब लोग आए, दर्शक खुश हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये फिल्म देखेंगे तो दर्शक खुश होकर के जाएंगे, उनकी उम्मीदें जो है वो पूरी हो जाएंगी, ऐसी उम्मीद है हमारी। जी मैं एक्चुअली चाहूंगा कि दोनों फिल्में जो है वो सुपर डुपर हिट हो। फिल्में जब चलती हैं तो हमारी इंडस्ट्री जीवित रहती है, और हमारे मन के अंदर कभी इस तरह का सोच नहीं आती या इरादा आता है कि एक चले और दूसरी ना चले। नहीं, ये गलत बात है। हम चाहते हैं कि दोनों फिल्में चलें, उनको भी मेरी शुभकामनाएं और हमेशा रहेंगी। जी एक्चुअली आई हैव डन द रैप फॉर द सॉन्ग, और इस फिल्म में सिर्फ ये वर्जन ही नहीं, एक और वर्जन विच इज अ रीमिक्स्ड वर्जन जिसमें मैं हूं, विच यू विल सी इन द फिल्म In a few days time, उसका भी प्रोमो चलेगा और फिर वो फिल्म में भी दिखाई देगा। अभिषेक, या 80s में जब अमिताभ बच्चन एक्शन फिल्में करते थे, आप छोटे थे जी, इस फिल्म में उनका काम देख के आज भी इनके सामने बहुत छोटा हूँ। How do you feel seeing this film? I feel like I used to feel in the 70s and 80s. There's no difference.
there's a white beard, but apart from that, there's no difference. Same attitude, he still kicks as high, and he still punches as hard, and he still has the same expression on the face. और आज भी वो एम्बुलेंस लेके चलते हैं। पदार्थ का आप एंडोर्समेंट कर रहे हैं तो इस समय नहीं कहूंगा मैं, बट समझ जाइए। चॉइस वाज बुढ़ा, दैट्स व्हाट इट वाज। बट व्हेन द राइटर्स हु रोट द हिंदी डायलॉग्स व्हेन दे सैट ऑन द स्क्रीन प्ले दे केम अक्रॉस विद द टैगलाइन होगा तेरा बाप। So it was Buddha dash Hoga Tera Baap as a tagline. But Abhishek felt that the entire phrase should be the title of the film because when it's used as an entire phrase. So that's how we got Buddha Hoga Tera Baap. Initially it was said that there were a couple of creative differences between you and Puri Jagannath and the manner in which you envisage the character. So how were these differences sorted out? Yeah, when Puri narrated the story to me, there was a track which I felt would not go well with my character. It was a little more frivolous than I was comfortable with. And so he readily agreed and we changed that. You know. Now could you just elaborate on frivolous? Meaning? That's a little unclear. There was a track of... because he's a flamboyant character, he had various... extracurricular activities that he was involved in. So different tracks for different ladies, and I felt that that was frivolous. That should not be included. Was it because of the age that? No. One second. Let these ladies ask. Who are you asking me? Me? Yeah. I don't see anything wrong with that. We are not singers, and I shudder to go in front of the mic to sing a song. But sometimes, you know, music directors feel that it lends a lot more character to that moment if the artist can sing himself. And there are many artists now that sing their own song. So I think it's more for a feel of conveying that this is genuine. My comment on, same question. I think it's fantastic. There was a time when, in the black and white era, if I'm not mistaken, that actors used to actually sing for themselves. The whole trend of getting playback singers came in a lot later. I think if the director and the music director feel the actor should like करवाते हैं, और उसके बाद पाम है अभिषेक ने आपको अपने कंधे पर सवारी करवाई, और अब real life में ऐसा moment आने वाला है आपकी life में जब आपका पोता आपको कहेगा कि मेरे लिए घोड़ा बनिए अमित जी, तो वो अभी जी वो कैसा सुखद अनुभव होगा? अभी क्या मन में है आपके? आपको आमंत्रित करूंगा मैं जब वो सुखद अवसर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जी इस प्रोमो की बात करें, जैसे कि हमने अभी देखा सर यहाँ पर, सर कहाँ है? यहाँ सीधे आपके सामने। हाँ हाँ, तो नाचे ना, कौन रोक रहा है उनको? मैं समझ में नहीं आ क्या पूछ रही मैडम। अमित सर आप गाना फिर से देख लीजिए, टिप्स खुद में आ जाएंगे। एक्चुअली लेट्स सी, कैन वी सी इट अगेन? या श्योर, बिकॉज़ आई आल्सो हैवंट सीन इट। चलिए यू प्ले द वीडियो अगेन प्लीज। सही है वेरी गुड, थैंक्स सर। Sorry.